नमस्कार जयंत, आपका स्वागत है आपके चैनल हंस एकेडमी में। मैं नीरज का आज का जो टॉपिक है वो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, हिमालय क्षेत्र, जो कि हमारा भारत का भौतिक विभाजन की जो श्रृंखला चल रही है ना, उसी के अगला वीडियो है ये। तो हिमालय क्षेत्र में हमने हिमालय को पढ़ा था, हिमालय के चार भाग पढ़े थे, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालय। इसके बाद जो दूसरा विभाजन होता है प्रायद्वीपीय पठार होता है। प्रायद्वीपीय पठार जो है ये है, जो कि इसकी आकृति में देखा जाए तो ये त्रिभुजाकार का है। प्रायद्वीपीय पठार है जो कि त्रिभुजाकार का है। प्रायद्वीपीय पठार है ये गोंडवाना का अंग है, ठीक है, गोंडवाना का ही एक अंग है। तो प्रायद्वीपीय पठार के जो इसकी आकृति है वो कैसी, त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय पठार कैसा है कि उत्तर की दिशा में जो क्या है, उत्तर की ओर इसमें झुकाव है। नॉर्थ वाला जो इसका एरिया है ये नॉर्थ की तरफ ऐसा झुकाव है। तो प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर से निकलने वाली नदियां जैसे कि नर्मदा है, मध्य प्रदेश की नदियां, सॉरी चंबल है, बेतवा है, काली सिंध की दशान है, पार्वती है, सेन है, टोंस है, केन है, ये नदियां किस तरफ जा रही हैं, उत्तर की तरफ जा रही हैं। क्यों जा रही हैं, क्योंकि प्रायद्वीप का जो उत्तरी क्षेत्र है ये उत्तर की दिशा में इसका क्या झुकाव है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि यहाँ से निकलने वाली नदियां का जो बेसिन है वो उत्तर की तरफ है। प्रायद्वीपीय पठार उत्तर की तरफ चौड़ा है, देखिए यहाँ पर इसकी क्या है, वृत्त इसकी ज्यादा चौड़ा है, जबकि दक्षिण में आएंगे तो ये कैसा संकीर्ण है, जबकि मध्यवर्ती जो क्षेत्र प्रायद्वीप का ये कैसा है, इसमें उभार है। क्या इसमें उभार है, तो ये प्रायद्वीप है। अच्छा, प्रायद्वीप का जो ये वाला एरिया है, प्रायद्वीप का ये मालवा का पठार है, सबसे बड़ा पठार है जिसका सर्वाधिक विस्तार है वो मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। मालवा का पठार से स्टार्ट होता है अरावली रेंज, अरावली रेंज है जी, जो अरावली है जो कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत है, जिसका सर्वोच्च शिखर है माउंट शिखर, माउंट आबू या गुरु शिखर, 17-22 मीटर इसकी हाइट है, जो कि राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये अरावली है, अरावली ये है, इसके दक्षिण पश्चिम में क्या है, माउंट आबू या गुरु शिखर, विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है, ठीक है। तो ये प्रायद्वीप पठार है। प्रायद्वीप पठार के तहत आने वाले प्रमुख पठार हमारे कौन कौन से हैं, ये अरावली पर्वतमाला है, जबकि ये वाला एरिया ये दक्कन का पठार है, ठीक है ना, दक्कन का पठार महाराष्ट्र वाला एरिया, यहाँ पर काली मिट्टी के लिए बहुत प्रसिद्ध है, काली मिट्टी होती है दक्कन के पठार में। ये धारवाड़ का पठार है, लोहा यहाँ पर आयरन सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। ये तेलंगाना का पठार है, एक जो तेलंगाना के पठार में कैक्टस वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में विस्तृत है, बॉक्साइड है, मैंगनीज है ना, कोयला है, यहाँ सस्ती की सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है। मेघालय का पठार है, मेघालय का पठार गारो खासी जयंतियाँ, ठीक है, यहाँ भी ये पूरा क्या मिनरल्स वाला क्षेत्र है, मिनरल्स वाला क्षेत्र है मेघालय का पठार। ये भी प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है, चूंकि हुआ क्या था कि एक हैरी हेस की थ्योरी है तो उसमें ये बताया गया कि प्रायद्वीपीय प्लेट जब उत्तर दिशा में खिसकती है तो हिंद महासागर का निर्माण होता है, और प्रायद्वीपीय प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराती है तो प्रायद्वीप का उत्तरी पूर्वी हिस्सा टूटकर मेघालय के पठार में, ठीक है, इस तरफ खिसक गया था, ठीक है। मेघालय के पठार और प्रायद्वीप पठार के बीच में ये वाले एरिया में क्या है, मालदा गैप, मालदा गैप। तो मालदा गैप का काम क्या है कि मेघालय का पठार और प्रायद्वीप पठार के मध्य में है मालदा गैप, ठीक है। तो जबकि ये वाला एरिया है ये सतपुड़ा का पठार है, सतपुड़ा का पठार यहाँ पर ये मध्य प्रदेश वाला एरिया है, ठीक है। मध्य प्रदेश के उत्तर में विंध्याचल पर्वत है जबकि दक्षिण में सतपुड़ा पठार है, इनके दोनों के मध्य में नर्मदा नदी बह रही है, ठीक है। तो सतपुड़ा के तहत प्रमुख पहाड़ियाँ कौन कौन सी आती हैं, तो सतपुड़ा के तहत आती हैं राजपीपला है, ठीक है, महादेव है और महकाल है, जबकि विंध्याचल के तहत आती हैं भार कैमूर, भारनेर है, कैमूर है और पारसनाथ है। विंध्याचल पर्वत की विशेषता ये है कि यह विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य में है। विंध्याचल पर्वत क्या करता है, जैसे कि ये विंध्याचल है, अब विंध्याचल क्या करता है, उत्तर का उत्तर भारत मतलब ये वाला एरिया और दक्षिण भारत के अलग करता, पृथक करता है, ठीक है, ठीक। तो ये हमारे प्रमुख पठार क्षेत्र जो कि प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद प्रायद्वीपीय पठार है
यह इसके दो दो भाग हैं, एक पूर्वी घाट जिसको पूर्वाद्री कहते हैं और एक है पश्चिमी घाट। तो पूर्वी घाट जो घाट है, जो पूर्वी घाट कहाँ से आरंभ होता है, पूर्वी घाट हमारा आरंभ होता है उड़ीसा से लेकर और ठीक है तेलंगाना आप तमिलनाडु तक, ये पूर्वी घाट है। तो पूर्वी घाट जो है ये वाला एरिया है, जो पूर्वी घाट ये वाला एरिया, यह क्या कहते हैं, इसकी जो पहाड़ियां हैं यह कम ऊंचाई की हैं, जबकि पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियां हैं ये ज़्यादा ऊंचाई की हैं। पूर्वी घाट में वे नदियां जो महानदी कावेरी है, गोदावरी है, कृष्णा है, तुंगभद्रा है, सॉरी तुंगभद्रा तो कृष्णा की सहायक नदी है, स्वर्णरेखा है, दामोदर है, महानदी है, हुगली, यहाँ ये यहाँ की समस्त नदियाँ क्या डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा क्या होता है, स्थलाकृति होती है, स्थल की आकृति होती है। जब नदियाँ अपने जब नदियाँ जब बेसन में बहती हैं तो अपने साथ में अवसाद लेके आती हैं, और जो पूर्वी घाट है यह कैसा है, मुहाना इसका समतल है, तो समतल होने के कारण अवसादों का वहाँ पर निक्षेपण हो जाता है, परिणाम स्वरूप कि जो नदियाँ होती हैं वो कई वितरकाओं में बढ़ जाती हैं, तो एक आकृति बनाती है, पंजाकार होता है, त्रिभुजाकार होता है, वो डेल्टा होता है। तो पूर्वी घाट की समस्त नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। पूर्वी घाट कहाँ से, पूर्वी घाट होता है उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक का विस्तार होता है, कम ऊंचाई की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। यहाँ पर यहाँ के यहाँ पर वे नदियाँ मुहाना बनाती हैं, जो कि समस्त मतलब जैसे गोदावरी मैंने बताया ना, समस्त नदियाँ क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। जबकि जो पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट है, ये क्या है, अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र है। यहाँ पर नदियाँ जैसे कि नर्मदा है, नर्मदा है, ताप्ती है, ठीक है, माही है, सरय है, साबरमती है, लूनी है, घग्गर है, ये सब क्या करती, एश्चुरी का निर्माण करती। एश्चुरी भी क्या है, स्थलाकृति है। जब नदियाँ, चूंकि जो पश्चिमी घाट है जो ये कैसा है, भ्रंश कगारी है, ढालनुमा क्षेत्र है, तो क्या होता है कि ढालनुमा क्षेत्र से कोई भी पानी होता है ना, तो पानी बह जाता है, तेजी से बहता है, बहाव है। तो इसलिए जो नर्मदा है, ताप्ती है, ठीक है, ये क्या कर रही है, भूभ्रंश का निर्माण कर रही है। तो नर्मदा भ्रंश में बहती है, किस भ्रंश में बहती है नर्मदा, ये नर्मदा, ये देखिए, ये है आपका विंध्याचल और ये है सतपुड़ा, इनके दोनों के मध्य में जो नदी बह रही है, ये यहाँ से नर्मदा इस प्रकार से मुहाना बना रही है, खंभात की खाड़ी मुहाना बनाती है। नर्मदा कहाँ से निकल रही है, अमरकंटक की पहाड़ियों से, जबकि सतपुड़ा के दक्षिण से निकलती है क्या है, ताप्ती नदी, वो भी खंभात की खाड़ी मुहाना बनाती है। तो सतपुड़ा कैसा है कि नर्मदा और कि नर्मदा सतपुड़ा के उत्तर से ठीक बहती हैं, जबकि ताप्ती सतपुड़ा के दक्षिण से बहती हैं, ठीक है। तो ये जो पूर्वी घाट है, मतलब ये वाला एरिया है पूर्वी घाट है, यहाँ पर नदियाँ क्या करती है, एश्चुरी का निर्माण करती है। एश्चुरी भी यही एक स्थलाकृति है, क्या है कि जब ढालनुमा क्षेत्र होने के कारण है, ढालनुमा क्षेत्र होने के कारण क्या होता है कि अवसाद सब बह जाते हैं, तो वहाँ पर निक्षेपण नहीं होता, अवसाद क्या नहीं हो पाता है, निक्षेपण नहीं होता है। तो इसलिए जो स्थलाकृति है ना, संकीर्ण होता है, ऐसी कैसी होती है, संकीर्ण होता है, सकरा मुहाना होता है, तो इसलिए उसका प्रवाह तेज होने के कारण वहां पर अवसादों का निक्षेपण नहीं होता, परिणाम स्वरूप एश्चुरी का निर्माण होता है। तो हम चर्चा करते हैं कि पूर्वी घाट की कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, पश्चिमी घाट की कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, ठीक है। तो ये मेघालय का पठार है, मेघालय के पठार में कौन सी है, गारो खासी जाती है, क्रम महत्वपूर्ण है, चाहे पश्चिम से पूरब लो या पश्चिम से पूरब। गारो यहाँ पे चेरापूंजी था, यहाँ पहले 15 साल पहले विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र, आज ठीक है मां संग्राम है, कहाँ पर है, मां संग्राम, ये खासी पर, जो खासी है ना, खासी पर क्या है, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है ये, यहाँ पर क्या है, मां संग्राम है, क्या है, मां संग्राम, खासी नामक पहाड़ी पर क्या है, मां संग्राम, जो कि विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है, ठीक है। और फिर है जयंतियाँ, यहाँ भयंकर बरसात होती है, जयंतियाँ ये मेघालय के पठार के तहत आती हैं। ये आपका बिहार वाला एरिया है, ये राजमहल की पहाड़ियाँ हैं जो कि पूर्वी घाट के तहत आती हैं। ये महेंद्रगिरी है, उड़ीसा के तहत आती है, पूर्वी घाट की दूसरी ऊंची चोटी है, पूर्वी घाट की दूसरी। ये विशाखापट्टनम है, सर्वोच्च चोटी है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आती है। ये नल्लामाला है, ठीक है, ये नल्लामाला है, आंध्र प्रदेश है। ये पालकोंडा है, आंध्र प्रदेश है। जावती शेवरा पालनी, ठीक है, क्रम महत्वपूर्ण है, जावती शेवरा पालनी तमिलनाडु के तहत आती है। महेंद्रगिरी, ये ग्रीन में दिख रहा है, ये भी महेंद्रगिरी, एक दो महेंद्रगिरी, एक उड़ीसा की महेंद्रगिरी है और एक तमिलनाडु की महेंद्रगिरी है। ये पूर्वी घाट की चोटियां कम ऊंचाई वाली हैं,
जबकि पश्चिमी घाट की जो चोटियां हैं वो कौन सी हैं, देखिए नीचे से ऊपर ले चलिए, इलायची की पहाड़ियां हैं, ठीक है, मसाला की, ठीक है, जिनको कार्डोडम पहाड़ियां कहते हैं। जबकि इसके उत्तर में कौन है, अगस्तमलाई पर्वत है, अगस्तमलाई पर्वत है। इसके उत्तर में जाएंगे तो वो क्या है, अन्नामलाई पर्वत है, अन्नामलाई। अन्नामलाई की पर्वत की सबसे ऊंची पीक कौन सी है, चोटी कौन सी, अनायबुदी है, सबसे ऊंची चोटी अनायबुदी। अनायबुदी की विशेषता यह है कि यह पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना। दक्षिण भारत और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनायबुदी है, जो कि अन्नामलाई की पर्वत के तहत आती है। उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं कौन सा, दोड्डाबेट्टा है, दोड्डाबेट्टा तमिलनाडु के तहत आता है, परंतु है पश्चिमी घाट के तहत आती है, ठीक है ना। तो ये चूंकि क्या ना मध्य वाला एरिया है, ये नीलगिरी पर्वत वाला एरिया आता है, ये किसमें है, ये तमिलनाडु के तहत, ठीक है ना। दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी है दोड्डाबेट्टा, ठीक है ना, मतलब उसका ऑलमोस्ट हिस्सा नीलगिरी में आता है, चूंकि वो पूर्वी घाटी है, नीलगिरी मतलब तमिलनाडु वाला एरिया, तमिलनाडु के तहत आता है, ये दूसरी ऊंची चोटी दक्षिण भारत की। जबकि इसके उत्तर में जाएंगे यहाँ पर देखिए, क्योंकि वहां पे स्पेस कम था तो कर्नाटक आ जाता, तो कर्नाटक में देखिए यहाँ पर ये वाला एरिया है, ये है पुष्पगिरी की पहाड़ियां, पुष्पगिरी की पहाड़ियां, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा और चलेंगे तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, ठीक है। इसके थोड़ा और ऊपर चलेंगे तो बाबा बुदन की पहाड़ियां, बाबा बुदन की पहाड़ियां। अब जो पुष्पगिरी की पहाड़ियां हैं, यहां से कावेरी नदी का ओरिजिनेशन होता है, कावेरी नदी का ओरिजिनेशन होता है, और इसके बाद हुआ है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, उत्तरी सरकार तट पर मुहाना बनाती है, ठीक है, डेल्टा का निर्माण कर रही है। और उत्तर में चाहेंगे देखिए ये तीन पहाड़ियां हैं, कलसुवाई, महाबलेश्वर, कुद्रेमुख, तो ये सह्याद्री के तहत आते हैं। पश्चिम घाट को महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो सह्याद्री मतलब पश्चिमी घाट, मतलब कहाँ पर, तीन राज्यों में, महाराष्ट्र, गोवा और उत्तरी कर्नाटक में पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो सह्याद्री की जो ऊपर से नीचे का क्रम देखा जाए तो ये कलसुवाई है, मतलब कलसुवाई को कहा जाता है सह्याद्री की दूसरी ऊंची चोटी, कलसुवाई को सह्याद्री की दूसरी ऊंची चोटी। जबकि कलसुबाई के दक्षिण में आगे तो महाबलेश्वर, महाबलेश्वर जी के पुणे में आता है, यहाँ से कृष्णा नदी का ओरिजिनेशन होता है, कौन सी नदी का, कृष्णा नदी, और कृष्णा नदी कहाँ पर, ठीक है, आंध्र प्रदेश, सॉरी मैंने एक चीज गलत बता दी, जो पुष्पगिरी की पहाड़ियों से कावेरी नदी है ना, कावेरी नदी मुहाना बनाती है तमिलनाडु के तट पर, ठीक है, कोरोमंडल में, जबकि कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकल रही है, ये बनाती है उत्तरी सरकार मतलब आंध्र प्रदेश के तट पर मुहाना, डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। तो इसके बाद फिर ये कुद्रेमुख है, कुद्रेमुख मतलब कि सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी हाइट है 1892 मीटर है, ठीक है, कलसुबाई की 1646 इसकी हाइट है, दोड्डाबेट्टा की हाइट है 2623 इसकी हाइट है, जबकि अनायबुदी की हाइट है 2695 मीटर इसकी हाइट है। तो कुद्रेमुख क्या है, सह्याद्री की दूसरी ऊंची चोटी, कुद्रेमुख सह्याद्री की दूसरी ऊंची चोटी, सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी है कुद्रेमुख, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र वाले एरिया में आती है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र वाले एरिया में आती है, कलसुबाई महाराष्ट्र वाले एरिया में आती है, सह्याद्री की दूसरी ऊंची चोटी है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये वाला जो ब्लैक रेंज दिख रही है, इसे कहते हैं हम क्या, इसे कहते हैं हम, ठीक है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो कि मध्य प्रदेश वाला एरिया है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ में क्रम देखा जाए तो पश्चिम से जो पूरब का क्रम है वो राजपिपला की पहाड़ियाँ हैं, राजपिपला के तहत फिर मैकाल की पहाड़ियाँ आएंगी, सॉरी महादेव की पहाड़ियाँ आएंगी। महादेव की पहाड़ियों में सबसे पीक पॉइंट है वो धूपगढ़ चोटी है, मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले में आती है, जिसकी 1350 की हाइट है, जो कि मध्य प्रदेश इवन पूरा सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, धूपगढ़ मध्य प्रदेश में आती है, होशंगाबाद जिले में है, ठीक है। इसके बाद फिर तीसरी जो मैकाल, ठीक है, पहाड़ी है, मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनूपपुर जिला है, मध्य प्रदेश का अमरकंटक की पहाड़ी है, जहां से दो तीन नदी निकल रही है, और पश्चिम की तरफ निकलती है कौन सी, नर्मदा, जैसे कि समझ, ये है मान के चलो क्या मैकाल पठार, और मैकाल पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अमरकंटक है, अमरकंटक के उत्तर से निकल रही है, उत्तर में जा रही है सोन नदी, जबकि पश्चिम की तरफ जा रही है कौन सी, नर्मदा नदी, ये मध्य प्रदेश वाला एरिया है। अमरकंटक जो सॉरी मैकाल जो पहाड़ियां हैं ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विस्तृत है, अर्धचंद्राकार में फैली है, कैसी है, अर्धचंद्राकार में ये फैली है। इसके उत्तर में देखेंगे तो ये जो है ये विंध्याचल पर्वत है, ये ब्लैक रेंज है जो विंध्याचल पर्वत है,
विंध्याचल पर्वत का अगर क्रम पहाड़ियों का देखा जाए तो कौन सा होगा, बाड़मेर है, कैमूर है और पारसनाथ है। पारसनाथ के थोड़ा इस तरफ आएंगे, बिहार वाला एरिया आएंगे तो बिजवार है, फिर इसके बाद सासाराम है, ये सब विंध्याचल के तहत आते हैं। सासाराम जहां पर मतलब शेरशाह सूरी का मकबरा है बिहार में, ठीक है। तो जो विंध्याचल है ये कहां से, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से आरंभ होता है, 1050 किलोमीटर के विस्तार में फैला हुआ है विंध्याचल पर्वत, जो कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को पृथक करता है, मध्य, ठीक है, मध्य में है। तो बाड़मेर, कैमूर, पारसनाथ, बिजवार और ये सासाराम, चार पांच पहाड़ियां आती हैं किसके तहत, विंध्याचल के तहत। ये अरावली रेंज है, ये अरावली रेंज है जो कि विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है, ठीक है। तो ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार हो गया, ठीक है। प्रायद्वीप पठार का हमने संपूर्ण जो भी जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं सारे हमने आपको एनालिसिस कर दिए। तो ये टॉपिक हमारा हो गया प्रायद्वीप पठार। अगला जो टॉपिक होगा हमारा उत्तर का विशाल मैदानी क्षेत्र, जो उत्तर का विशाल मैदानी क्षेत्र जो कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु बा उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, ठीक है ना। तो कल इसके बारे में चर्चा करेंगे, आज के लिए इतना काफी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।